हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आदित्य कछुए और आज अपन देखने वाले कि एनटीएससी की आपकी स्टेज वन जो है वो आपको कैसे क्रैक करनी है और वो क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल अपने लिए क्या होगा। जब मैंने एनटीएससी दी थी तब जो एमएटी होता है अपना मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। उसमें आप 100 out of 100 भी स्कोर कर सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए आपके, आपको बहुत ज्यादा ब्रेन चाहिए क्या, ज्यादा ब्रेन पावर नहीं चाहिए, उसको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा उसमें आप सक्सेस पाओगे। तो मैंने जो मेरा जो प्रैक्टिस करने का जो सोर्स था, मैं जब जिस टाइम एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो डेट वाज एग्जाम पेपर, जो लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर थे ना, मैं वो करता था। तो उसमें क्या होता है ना, अपने को हर एक टाइप का, एक कंप्लीट डायट टाइप, कंप्लीट टाइप के क्वेश्चन अपने को मिल जाते हैं और वो अपन क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उससे अपने को जब मेन एग्जाम आती है तो आप 90 वो आराम से स्कोर कर लेते हो। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत बढ़िया बुक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आरएस अग्रवाल। ये बुक मैं खुद पूरा का पूरा सॉल्व किया था, इतना ज्यादा मजा आया था मुझे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है किसका जर्नी था मेरा, ये अपना जो मेंटल एबिलिटी का था वो। तो अगर आपको ये चाहिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैं वहां पे कमेंट कर देता हूँ कि अपनी जो लिंक है वर्बल एंड नॉन वर्बल की, तो वहां से वो खरीद लेना, सॉल्व करना, बहुत मजा आएगा आपको। उसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन है जो आपको एनटीएससी के लिए काम आएंगे। तो इस वीडियो में अपन क्या करने वाले कि जो अपना एनटीएससी है तो उसका जो मैट है, तो लास्ट ईयर का जो अपना आया था महाराष्ट्र के लिए जो आया था 2020 का, तो उसका अपन लेवल वन का जो है वो पूरा का पूरा अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। तो देखो फर्स्ट क्या है कि मतलब ये देखो इस फिगर के साथ क्या रिलेशन है, वैसा इस फिगर के साथ किसके साथ रिलेशन होगा वैसा। ठीक है, ये अपने को बोला। तो मैं यहां पे क्या देख सकता हूं, मैं कि देखो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे कि ये सर्कल जो है इट इज गोइंग डायगोनली, तो ये डायगोनली ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहां से यहां पे क्या, तो ये सर्कल डायगोनली इधर आएगा, तो अपना जो आंसर रहेगा, आंसर में पहली बात तो सर्कल अपना इस साइड रहेगा। ठीक है, सर्कल विल बी ऑन दिस साइड। और दूसरी बात, जो अपना एरो है, एरो का मुंह पहले इधर था, अभी एरो का मुंह इस साइड इधर हो गया। ठीक है, तो इसमें और एरो का मुंह 100% इसी साइड होगा। तो यहां पे देखो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में सर्कल, इस कॉर्नर में सर्कल, दो बार है, लेकिन एरो का मुंह इस साइड जो है वो इसी वाले ऑप्शन नंबर 2 में है। सो दैट्स व्हाई अपना जो आएगा आंसर दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अपने क्या करना है कि ये और ये क्या रिलेशन है इसमें, देखिए जब अपन इसका जो हेक्सागन बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, तो ये जो कंप्लीट करने वाला फिगर है ना, यही है यहाँ पे, ये देखो ये, दिस इज दिस वन ओनली। तो यहां पे इसको कंप्लीट करने के लिए जो ऐसा अपन बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो रहेगा ना फिगर, ये अपना आंसर रहेगा। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड इट इन अपना आवर आंसर को, आंसर शीट। ठीक है, यहां पे है क्या अपना, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सो दिस वन इज आवर आंसर। तो इसका अपना सेकंड का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। सो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यार ये फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, उसमें क्या है कि बस आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए होती है। ऑब्जर्वेशन स्किल देख के अपने क्या करना है कि जैसे कि अपने को पूरी जब थाली मिल जाती है, कंप्लीट बुफे को जाते हो और पूरी एक थाली मिलती है, सारी की सारी थाली एक साथ नहीं खाते ना आप, एक एक करके खाते हो, उसी तरह से जो फिगर्स होती है ना उसमें एक एक कंपोनेंट देखना है। बस आप एक छोटा सा सर्कल देख रहे हो तो छोटे के सर्कल की मूवमेंट देखनी है। ठीक है, स्टार देख रहे हो तो बस स्टार की मूवमेंट देखनी है। इस तरह से अपने को वन बाय वन करके अपने को अप्रोच करना पड़ेगा, फिर जाके आपका सारा का सारा सही होगा। ठीक है, तो ये अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे देखो ये क्या है, दिस इज हेक्सागन। ठीक, ये देखो इसका फिर क्या बन गया, इसका खड़ा स्क्वायर बन गया, खड़े हेक्सागन का खड़ा स्क्वायर बन गया। तो यहां पे देखो, यहां पे आड़ा हेक्सागन है तो इसका क्या बनेगा, आड़ा स्क्वायर बनेगा। ऑप्शन में देखो आड़ा स्क्वायर कहां कहां पे, ये 1 और ये 2, यहां पे आड़ा स्क्वायर बाकी 2 में नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर देते अपन। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है ना, अपने को मेंटल एबिलिटी में ऐसा नहीं कि आपको मतलब कहीं का ऐसा बुक है कि वहां से उठा के दे दिया है, कंसेप्चुअल कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको आंसर जल्दी से जल्दी और एकदम अच्छा मतलब एकदम करेक्ट निकालना होता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, उससे क्या होता है अपना टाइम बचता है। ठीक है, उसी तरह से अपन और भी मेथड करेंगे, तो ये मैं आपको इसके अंदर ही बता दूंगा, मैं आपको मतलब जो आपकी टाइम सेविंग मेथड्स होगी, तो आप डिस्कशन देखना। ठीक है, तो अभी अंदर का देखो, अंदर कैसा था, आड़ा हेक्सागन था तो उसका क्या बन गया, आड़ा स्क्वायर बन गया। अंदर क्या खड़ा है तो इसमें कैसा बन जाएगा, खड़ा स्क्वायर बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, और उसके बाद में जो है इसका मार्किंग देखो यहां पे, तो आड़ा का देखो ये दो अभी कंटेंडर है। ठीक है, दो कंटेंडर है। अभी देखो इसमें क्या है, एक डार्क बीड है और एक हॉलो है, मतलब एक में सफेद है थोड़ा सा, एक पूरी कंप्लीटली डार्क है, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंप्लीटली डार्क, यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे क्या है, दोनों भी डार्क है।
ठीक है, दोनों भी डार्क है तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो अपना आंसर क्या बचा, अपना आंसर ऑप्शन नंबर टू आएगा। ठीक है, इस तरह से अपने को अप्रोच करना है हर एक क्वेश्चन को। यहां पे क्या दिया है, ऑब्जर्व द लेटर सीरीज एंड ऑब्जर्व द लेटर सीरीज एंड ऑब्जर्व लेटर विच इज एट द सेंटर प्लेस ऑफ लेटर विच इज एट 8 प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड 13 प्लेस फ्रॉम द राइट, फाइंड द सीरियल नंबर ऑफ दैट लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, पहले अपन क्या करते हैं कि यहां पे आपने क्या बोला है कि एक अपने को सेंटर का निकालना है, सेंटर का अपने को क्या निकालना है, कौन सा अपने यहां पे सेंटर में आ रहा है वो निकालना है, किसके सेंटर में, जो लेफ्ट से 8वें प्लेस पे है और जो राइट से 13 प्लेस पे है, उन दोनों के बीच में जो सेंटर में आ रहा ना उसका अपने को निकालना है कि क्या प्लेस है लेफ्ट से। तो पहले क्या करेंगे, अपन नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, आपने को ऐसा दिखा ना, नंबरिंग करनी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, अपने को देखो लेफ्ट साइड कौन सी है, दिस इज आवर लेफ्ट साइड, ये कौन सी है, ये लेफ्ट है। राइट कौन सी है, ये राइट है। तो अपने को क्या बोला है कि जो लेफ्ट से है ना, आठवीं प्लेस पे लेफ्ट से, तो आठवीं प्लेस पे लेफ्ट से कौन है, डब्ल्यू है। ठीक है, आठवीं प्लेस से लेफ्ट से, और राइट से 13 प्लेस रहा, तो राइट से 13 प्लेस कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एच आ गई। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है, डब्ल्यू और एच के बीच में क्या है, वी है अपना। ठीक है, क्या आ गया अपना, वी आ गया दोनों के बीच में, मतलब क्या, मतलब दोनों के बीच में देखो, इधर दो छोड़े इधर दो छोड़े, दोनों के बीच में वी आ गया अपना। तो अपने को वी की प्लेस बतानी है लेफ्ट सेल, मतलब लेफ्ट से वी की प्लेस क्या होगी, इसके ऊपर, इस सर के ऊपर 11 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना ये बोनस है। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है ये, यहाँ पे एक देखो, एक थोड़ा सा एक 36 होना चाहिए था तो 34 आ गया। तो इसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूँ मैं, ये क्वेश्चन ने मेरा काफी ज्यादा टाइम लिया, और जब मैंने फिर इसके आंसर की देखी तो उसमें मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन जो है बोनस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा था वो भी देख लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था काफी। तो देखते हैं अपन, 34 की जगह 36 था ना, ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 68 54 में कितने का डिफरेंस है, -14 का, 54 45 में कितने का है, -9 का, 45 36 में कितना है, -9 का, 36 27 में कितना है, -9 का, फिर 27 इसके अंदर कितना होगा डिफरेंस, ये अपने को निकालना था। ठीक है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे -14 बाकी सारा -9 है, तो अपन -9 कर देंगे क्या, करेंगे क्या, नहीं अपन ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे -14 क्यों हुआ अपने को देखना पड़ेगा, जब तक उसका रीजन अपने को नहीं मिलता तब तक अपन डायरेक्ट -9 करके आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया बच्चों कि देखो, मतलब 68 है, तो 68 में क्या, 6 plus 8 कितना होगा अपना, 14 होगा। ठीक है, 6 plus 8 14 होता है, तो अपन ने क्या किया, 68 में से 14 माइनस किया, 54, 5 plus 4 कितना होता है, 9 होता है, तो 54 में से अपन ने 9 माइनस किया, 45 में से 4 plus 5 कितना होता है, 9, तो -9 किया, 36 मतलब कितना होता है, -9, तो -9 किया, 27 2 plus 7 कितना होता है, 9 -9, तो 18 आता था इसका आंसर, लेकिन ये क्या, क्वेश्चन बोनस है। ठीक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 18 30 48 72 96। ठीक है, 80 कितना है, 80 30 48 72 96। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं अपने को, उसमें का अपने को डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पहले का दूसरे के साथ डिफरेंस कितना है, दूसरे का तीसरे के साथ डिफरेंस कितना है, अपने को डिफरेंस निकालना है। तो अगर डिफरेंस निकाल लोगे ना, आधा काम आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड डिफरेंस, कितना है 12, यहाँ पे कितना है 18, यहाँ पे कितना है देखो 72 minus 48, दिस विल बी 4 5 1 14, कितना है 14 का, यहाँ पे कितना है 96 minus 72, कितना है ये 24 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना क्या हो रहा है, मतलब कहीं पे 24 का है, कहीं पे 14 का है, और दूसरी बात क्या है कि मतलब जो डिफरेंस है ना वो भी कांस्टेंट नहीं है अपना, बराबर है, तो डिफरेंस जो है अपना वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे कितने का है, एक सेकेंड, 72 minus 48, ये 24 का आएगा, 14 का नहीं आएगा, ये 24 का आएगा यहाँ पे डिफरेंस, 12 18 24, और इन दोनों के बीच में कितने का है, ये भी 24 का है, तो इसके आगे कितने का आएगा, ये अपने को निकालना है। इससे तो डिफरेंस है अपना मेथड से नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कुछ भी रैंडम जा रहा है, तो ऐसे सोच सकता हूँ क्या, 8 into 2 कितना होगा, 18 into 2 कितना होगा, 36 minus 6, ठीक है, 36 minus 6, ठीक है, उसके बाद में 30 into 2 कितना होगा,
माइनस 12 तो ये आ गया 48, ये आ गया 30। 48 इंटू 2 कितना होगा? 96 माइनस 24 ये कितना आ गया? 72। ठीक है, आ रहा है, समझ रहा क्या हो रहा है? ये जो नंबर है ना, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 माइनस करना है, इसे 2 में से मल्टीप्लाई किया 12 माइनस किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 12 माइनस किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 24 माइनस किया। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना माइनस होगा? देखो यहां पे कितना माइनस किया अपन ने, माइनस 6 किया, यहां पे कितना माइनस किया? माइनस 12 किया, यहां पे माइनस 24 किया, यहां पे माइनस 48 किया, और यहां पे माइनस 96 किया। ठीक है, तो 96 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 96, दिस विल बी 96। अपना आंसर क्या आएगा फिर? ऑप्शन नंबर 1 96 आएगा। ठीक है, समझ गया क्या किया अपन ने? 18 और 30 मतलब क्या? 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 6, 30 और 48 में क्या रिलेशन है? 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 12, 48 एंड 72 में क्या रिलेशन है? 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 24। ठीक है, उसी तरह से 72 और 96 में क्या रिलेशन है? 72 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 48 एंड 96, और उसके आगे नंबर में क्या होगा? 96 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 96, तो ये अपना आएगा यहाँ पे आंसर। वाह वाह वाह, और नंबर सीरीज आ गई, ये तो बहुत आसान है, देख के मुझे समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 19, ठीक है, 19 प्लस 10 29, 29 प्लस 19 ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था यार इसमें, सिंपल सिंपल बस क्या करा है, यहाँ पे 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 प्लस 1 10 हो गया, 9 प्लस 10 19 हो गया, 10 प्लस 19 29 हो गया, तो 29 प्लस 19 अपना आएगा। ठीक है, 29 प्लस 19 कितना आ गया? 48। कितना आएगा अपना आंसर? 48 आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या सबके आखिर को 2 2 2 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सबसे पहले डिफरेंस निकालूंगा, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना अपने को, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वो निकालना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का? 20 का, 40 का, 80 का, 160 का, 320 का। ठीक है, इस तरह से अपना एक ही सेकंड में अपना ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 152 प्लस 160, 152 प्लस 160 ये कितना आ गया? 2 11 7 चला 312, ऑप्शन नंबर 1 आ गया इसका। ठीक है, अब यहां पे अपने को ऑड फिगर आउट बतानी है, ऑड फिगर आउट मतलब क्या करना है अपने को, कौन सी फिगर इसमें नहीं बैठती वो अपने को देखनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये फिगर है ना, ये वाली फिगर फर्स्ट या फिर सेकंड फिगर, उसको अपने माइंड में घुमा के देखो। ठीक है, वो फिगर को अपने घुमा के देखो, वो घुमा के देखोगे ना सारी की सारी फिगर उसके घुमाने से बन जाएगी, लेकिन एक फिगर ऐसी होगी ना जो घुमाने से नहीं बनेगी। ठीक है, इसको मतलब क्या अपने को माइंड में घुमाना है, मतलब क्या ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इस टाइप का अपने को घुमाना है अपने माइंड में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, तो ये देखो ये इधर चला गया, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये इधर आएगा। ठीक है, फिर ये अब बन गया, फिर यहाँ पे देखो ये खड़ा जो है और खड़ा कहाँ पे, यहाँ पे, तो और देखो इसको क्या अपन ने क्या किया, और ये उल्टा ला लिया, सपोज करो ये वाला इधर आ गया तो ये वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया इसमें। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि ये इधर जाएगा, तो ये जो फिगर है ना इसी का अपन रीअरेंजमेंट करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा, मतलब क्या कर रहे हैं अपने एक एक, अगर एक एक घर अगर शिफ्ट किए सबको, ठीक है, इसको इधर किए, इसको इधर किए, इसको इधर किए, इसको इधर किए, तो ये तीनों के तीनों बन रहे हैं। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, बट ये नहीं बन रहा है, तो अपनी ऑड फिगर कौन सी होगी? थर्ड फिगर इज आवर ऑड फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बच्चों, 10 में क्या बोल रहा है, 10 में यार इतना मैं दिमाग खराब किया इस क्वेश्चन पे, लेकिन मुझे आ ही नहीं रहा, तो 5-6 मिनट सोचने के बाद मुझे समझा कि इसमें ऑड टर्म आउट कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है, दो अपने हेक्सागन की लाइन से पास हो रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दो लाइन है। ठीक है, ये दो हेक्सागन की लाइन से पास हो रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये दो लाइन है और ये दो लाइन से पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो यार एक ही लाइन में से दो लाइनें पास हो रही है इसकी, जो अपनी क्रॉस बन रहा है उसकी, तो अपना ऑड वन क्या आ गया? फोर्थ आ गया। इसके ऊपर मुझे काफी मैंने अलग अलग सोचा है, लेकिन जो सबसे सिंपल था ना वही लॉजिक अपना हमेशा होता है, उतना याद रखना। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें क्या है, वही जो ट्रिक बताई थी मैंने, इसको घुमा के देखो यार, इसको घुमाऊंगा तो ऐसे बनेगा, देखो इसको मैं अगर ऐसा उल्टा करूंगा, इसको उल्टा करूंगा तो ये बनेगा। ठीक है, इसको अगर मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका, ये बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, वही दिशा में मुंह आएगा। अब इसको मुझे अगर मैं खड़ा करूंगा तो, खड़ा करूंगा तो कैसे बनेगा, इसका मुंह इस साइड रहेगा और ये इस साइड रहेगा, ऐसे ऊपर बनेगा,
ये अपना सेकंड जो आ रहा है वो ऑड वन आउट आ रहा है, ठीक है, इसका मूव इस साइड है, तो ये रॉन्ग है अपना, तो सेकंड अपना ऑड वन आउट आ रहा है। तो वही अपने क्या करना है, फिगर जब होती है ना उसको घुमा के देखना है, ठीक है। ये क्यूब का जो मैं करता था ना, ये क्यूब का मैं क्या करता था ना कि मैं एक इरेजर जो होता है ना अपना, इरेजर पे मैं लिखता था, ठीक है, ऐसे क्यूब की जो पट्टी है ये सारी की सारी, देखो अभी ये क्या है, ये मेरे पास इरेजर है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये लीगल है कि इलीगल है मुझे नहीं पता, बस मैं आपको जो मैं यूज कर रहा था वो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरह से मेरे पास जो इरेजर था जो अपना, इस पे मैं ऐसे ये क्यूब वाले प्रॉब्लम बनाता था, ठीक है, बचपन में। तो इसमें क्या करना है, आपने को जो ये वाली लाइन दिख रही है ना जो एकदम सलग है, एकदम एक के साथ एक है, तो इसके ऊपर मैं डाल देता था। यहां से शुरू करूंगा मैं, तो ये देखो यहाँ पे 8 डालूंगा, यहाँ पे 6 डालूंगा, उसके पीछे 7 डालूंगा, ठीक है, और उसके और सामने इधर 5 डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता था, इरेजर पे जो स्ट्रेट लाइन है अपनी, स्ट्रेट लाइन में पहले लिख लेता था, ठीक है, इसके पीछे 4 लिख दिया और नीचे क्या आ गया, फिर 5 आ गया, पीछे क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 8 का नेबर कौन था रे, इधर 3 था और इधर कौन था, इधर 4 था, तो ये कर लेता था, मेरे आधे आंसर तो ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो अपने को अभी देखते हैं, अपन ये वाले अपना क्यूब है, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी अपोजिट टू 8, 8 के अपोजिट में क्या होगा, 8 के अपोजिट में क्या होगा अपना, 8 के अपोजिट में क्या होगा, इधर जो है वो 7 है, ठीक है, इसके पीछे जो है 7 है, तो 8 के अपोजिट में क्या होगा अपना, 7 होगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर विल बी नॉट एडजेसेंट टू 4, ठीक है, 4 के आसपास कौन सा नहीं रहेगा, तो 4 के अपोजिट जो है एडजेसेंट टू 4 मतलब क्या, 4 को जो चिपक के है, चिपक के कौन से, सारे के सारे रहेंगे, एक अपोजिट वाला बस चिपक के नहीं रहेगा, तो अपोजिट में क्या है, 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच फिगर इज नॉट ऑब्टेन बाय फोल्डिंग पेपर फ्रॉम टू फॉर्म अ क्यूब, ठीक है, इस पेपर को फोल्ड करके कौन सा फिगर नहीं दिखेगा, देखो 3 4 तो ऑपोजिट में, यहाँ पे 3 4 एक के साथ एक आ गए, तो ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन, इसमें क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, वही डॉट डॉट वाले क्वेश्चन, चलो करते हैं डॉट डॉट वाले क्वेश्चन, आएगा मजा डॉट डॉट वाले क्वेश्चन करके, ठीक है। तो 4 और 80 में क्या रिलेशन है, 4 और 80 में, 80 में 4 में एंड 80 में, एक तो है मल्टीप्लाइड बाय 20 का, ठीक है, दूसरा क्या रिलेशन है, दूसरा मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ 4 × 4 × 5, ठीक है, मतलब 4 × 4 × 5 वो क्या आएगा, वो अपना अगेन 80 आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 20 मतलब क्या, इसको मल्टीप्लाई 21 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 20 ऑप्शन में होता ना तो मैं ना शांति से बैठता और सारा का सारा 4 20 लिख के मस्त शांत बैठ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 4 × 4 × 5 अपना, तो 4 × 4 × 5 जो है वो अपन इस तरह से किए, तो यहाँ पे देखो 21 × 21 × 22 कर देंगे, तो इसका अपना आ जाएगा, चलो करते हैं, तो 21 × 21 21 0 2 4 कितना आएगा, ये 1 4 4 441 आएगा, ठीक है, 441 आएगा, और 441 को अपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 441 × 22 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ये कितना आ जाएगा, 2880 2 8 8, ठीक है, ये कितना है, 2 0 1 16 7 7, ठीक है, कैरी 1 9702 9702 है क्या ऑप्शन में अपने, यस। अपन ने क्या किया, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4² × 4+1, ठीक है, उसी तरह से क्या 21² × 21+1, इस तरह से अपने ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से अपने को अप्रोच करना है, तो क्या आ गया अपना 9704 आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यहाँ पे क्या दिए कि फिगर का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर देख के अपने को क्या करना है कि अपने को नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत कोई, कि आपको अगर बुफे की थाली मिलती है तो सबका सब एक साथ खा लेना है क्या, नहीं, एक एक करके खाओगे ना, उसी तरह से क्या करना है अपने को एक एक करके करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस सर्कल देखो, सर्कल कहाँ का कहाँ जा रहा है, सर्कल यहाँ का यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ का यहाँ के गया सेंटर में, ठीक है, फिर यहाँ का कहाँ गया, यहाँ पे गया, तो यहाँ का क्या आ जाएगा, यहाँ का यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ का यहाँ, आधा आधा, अच्छा आधा आधा जा रहा है सर्कल, मतलब क्या यहाँ का यहाँ गया, यहाँ का यहाँ गया, यहाँ का यहाँ गया कॉर्नर में, तो यहाँ से बीच में जाएगा, ये देखो सर्कल यहाँ का, फिर ये ऐसा बीच में जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा सर्कल आ जाएगा, ठीक है, पहला तो अपना ये हो गया। फिर दूसरा क्या देखना है अपने को, दूसरी कौन सी फिगर है इसमें, दूसरी फिगर देखो यहाँ पे क्या है कि
अपना एरो जो है, एरो यहां से यहां गया, ठीक है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां जाएगा, तो अपना ये यहां पे एरो आ गया, ठीक है। और फिर क्या एडिशन की साइन है, एक एक करके करना है ना, एडिशन की साइन देखो कहां जा रही है, यहां से यहां गई, ठीक है, नहीं नहीं यहां से यहां गई, ठीक है, यहां से कहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, और यहां से कहां जाएगी, फिर यहां से इसकी जाएगी यहां पे, ठीक है। एडिशन की साइन क्या कर रही है, ऐसे एक पैटर्न बना रही है, कौन सा पैटर्न बना रही है, वो एक स्टार वाला, ठीक है, तो ये वाला अपना ऑप्शन टू आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि देखो इसमें क्या है, ऐसे है, पहले ऐसे बना था, उसके अंदर फिर क्या हो गया, एक ऐसे ऐड हो गया, उसके अंदर फिर क्या हो गया, एक और लाइन ऐड हो गया, फिर उसके बाद में इधर से एक लाइन ऐड हो गया, ठीक है, इसके बाद लॉजिकल स्टेप क्या है, यहां से ऐसा आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन में क्या, यस ऑप्शन नंबर 4 अपना आ जाएगा। आसान क्वेश्चन भी आते कुछ, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले क्या करता है ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब सॉल्व करते हैं, पहली बार अटेम्प्ट कर लेना है, उसमें से सबसे आसान आसान जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले अपने को कर लेना है, ठीक है, सबसे आसान सबसे पहले कर लो, उसके बाद में थोड़े मुश्किल पे जाओ, क्योंकि क्या है, अगर मुश्किल पे आप उसके ऊपर झगड़ते बैठोगे मुश्किल के साथ, तो वो भी आपको उतना ही नंबर देना है, आसान सवाल भी आपको उतना ही नंबर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को आसान अपने फ्रेंड है आसान को कर दो पहले, उसके बाद में अपन डिफिकल्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अपना क्या है, सुशील विपिन प्रशांत अमर आर 4 क्लास फ्रेंड, सुशील डज नॉट लाइक डांस, विपिन लाइक ओनली म्यूजिक एंड डांस, ओनली 3 ऑफ देम लाइक डांस एंड क्राफ्ट, प्रशांत लाइक ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट म्यूजिक, सुशील इज मास्टर इन ड्रॉइंग एंड म्यूजिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाना है अपने को, पहले अपन बना लेते हैं किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद है, बेबी को बेस्ट पसंद है, ठीक है, सुशील प्रशांत विपिन प्रशांत, यार मेंटल एबिलिटी में ना कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। प्रशांत अमर, ठीक है, तो सुशील को क्या क्या पसंद है, सुशील डज नॉट लाइक डांस, तो सुशील को डांस नहीं पसंद है, ठीक है। विपिन ओनली लाइक म्यूजिक एंड डांस, विपिन को क्या, बस म्यूजिक एंड डांस, उसको और किसी चीज से लेना देना नहीं है, म्यूजिक एंड डांस, ठीक है, विपिन का खेल खत्म हो गया। तो सुशील क्या डांस नहीं करता सुशील, ठीक है। ओनली 3 ऑफ डेम लाइक डांस एंड क्राफ्ट, ठीक है, 3 ऑफ डेम लाइक डांस एंड क्राफ्ट, सुशील को डांस नहीं पसंद है, एक को डांस पसंद आ गया और दोनों को फिर डांस पसंद होगा, यहां पे प्रशांत को डांस आ जाएगा, अमर को भी डांस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्या तीनों को पसंद है, सुशील को पसंद नहीं, तो क्या ये 3 लोगों को आ जाएगा। एंड क्राफ्ट, क्राफ्ट भी 3 लोगों को पसंद है, ठीक है। विपिन का क्या, बस ये 2 चीजें पसंद है, विपिन को क्राफ्ट और पसंद आ सकती क्या, नहीं, उसका बस दो ही पे ऊपर फिक्स है, तो क्राफ्ट कहां कहां पे आ जाएगा, यहां पे क्राफ्ट आएगा, यहां पे क्राफ्ट आएगा, यहां पे क्राफ्ट आएगा, आ गया। प्रशांत लाइक ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट म्यूजिक, ठीक है, प्रशांत सारे के सारे सब्जेक्ट करता है बस म्यूजिक छोड़ के, तो म्यूजिक छोड़ के और कौन से सब्जेक्ट है, यहां पे देखो मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट है, यहां पे डांस हो गया अपना, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, क्राफ्ट हो गया, ठीक है, तो प्रशांत को ऑलरेडी पूरा फुलफिल्ड ऐसा मुझे लगता है, उसको और सब्जेक्ट मिस हो रहा है बच्चों, यहां पे प्रशांत को क्या म्यूजिक पसंद नहीं है, अच्छा ड्रॉइंग भी है, यहां पे देखो सुशील इज मास्टर इन ड्रॉइंग एंड म्यूजिक, ठीक है, सुशील और किस में, ड्रॉइंग एंड म्यूजिक में, ड्रॉइंग एंड म्यूजिक, तो प्रशांत का और क्या आएगा, प्रशांत का और एक ड्रॉइंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट टेबल बन गया। यहां पे आपने को बताया कि अमर को क्या क्या सब्जेक्ट पसंद है, अमर का आ गया देखो डांस एंड क्राफ्ट ऑप्शन नंबर 3 विथ सब्जेक्ट विपिन प्रशांत एंड अमर लाइक, ठीक है, विपिन प्रशांत एंड अमर तीनों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है वो अपने को बताना है। विपिन कहां पे, विपिन को डांस पसंद है, प्रशांत को डांस पसंद है, अमर को डांस पसंद है, तीनों का डांस आ गया, ठीक है, तीनों मिलके नाचेंगे, ओके। हु लाइक्स ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग किस किस को पसंद है, सुशील एंड प्रशांत को, कहां पे सुशील प्रशांत, ये देखो ऑप्शन नंबर 3 आ गया। एक बार बना लिया ना सारा का सारा ऑप्शन, ऐसा धार 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 गोली मारते हो उस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन एक बार अपने को वो बना लेना है, एक 3 क्वेश्चन होंगे ना उसको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है अपने, क्योंकि क्या 3 के 3 आपके सही हो सकते हैं थोड़ा बनाने से, ठीक है। यहां पे क्या है कि देखो, अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 4x4 इज टेकन, ऑल फेसेस ऑफ ब्लॉक आर पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड एज शोन इन द फिगर, इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स, आंसर द क्वेश्चन बाय स्टडिंग एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। यहां पे ऐसा वुडन ब्लॉक अपन ने लिया है, फिर उसको क्या किया, मैंने पेंट किया सारी की सारी साइड, इसको क्या किया, सपोज करो कि इसको लिया अपन, मैंने पेंट में इसको घिरा दिया, ठीक है, ऐसे इस तरह का ब्लॉक था, और इसके बाद में मैंने छोटे छोटे इसके क्यूब काटे, तो अपने को क्या करना है, आंसर बताने, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग एटलीस्ट वन फेस पेंटेड, ठीक है, एटलीस्ट बोला है, एटमोस्ट नहीं बोला, ठीक है, एटलीस्ट बोला, एटमोस्ट नहीं बोला, ये अपने को ध्यान रखा है। एटलीस्ट वन मतलब क्या, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, बस बिना कलर के जो है इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको पेंट में गिरा दिया था, तो पहले गिनते अपन इसमें क्यूब्स कितने, ठीक है, कितना ये, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये नीचे वाले लेयर में कितना आ गया, फोर इंटू फोर, प्लस ऊपर वाले में कितने, फोर इंटू फोर, टोटल क्यूब निकाल रहा हूं मैं, ऊपर वाले में, इसके ऊपर वाले कितने, फोर इंटू फोर, उसके ऊपर वाले में कितने, यार इसमें चार कम है, फोर इंटू फोर माइनस फोर, मतलब फोर इंटू थ्री, समझ गया क्या किया मैंने, चार कम है ना, तो फोर इंटू फोर माइनस फोर था, तो फोर इंटू थ्री कर दिया मैंने। आप टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालते, ये कितना हो गया, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व, कितना हो गया, सैंतीस, अठारह, अठारह दोन बीस, हचाले दोन 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 और चार सिक्सटी, सिक्सटी क्यूब अपने इन टोटल, ऐसे कितने क्यूब है, सिक्सटी है, ठीक है। तो सिक्सटी में से अपने क्या निकालना है, जो बिल्कुल भी पेंटेड नहीं, वो अपने को सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो सिक्सटी में से कितने बिल्कुल भी पेंटेड नहीं होंगे बच्चों, तो सिक्सटीन में से देखो, सिक्सटीन में से क्या है अपना, कि जो अपना बीच के है, ठीक है, इसके जो कोर में के जो क्यूब्स है ना, इसके पीछे, इस वॉल के पीछे जो क्यूब्स है वो नहीं पेंटेड होगी, और इस वॉल के पीछे, और इस वॉल के पीछे, मतलब कितना, टू बाय टू का जो ब्लॉक एक है वो पेंटेड नहीं होगा, मतलब आठ क्यूब अपने पेंटेड नहीं होंगे, ठीक है। वो कितना आ गया अपना, फिफ्टी फोर आ गया, नहीं फिफ्टी टू आ गया, फिफ्टी टू क्यूब ऐसे होंगे जो एटलीस्ट वन साइड जिनकी पेंटेड होगी, ठीक है, फिफ्टी टू। टोटल क्यूब कितने थे अपने, सिक्सटी थे। अब देखो आगे कैसा हेल्प करेगा अपने को, इफ द बेस लेयर ऑफ ब्लॉक वुड बी सेम एज द टॉप लेयर, देन हाउ मेनी क्यूब्स विल बी इन द ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला आपने को, मैं समझाता हूँ पहले आपको, ये बेस लेयर है ना, ये टॉप लेयर की जैसा होता, मतलब बेस लेयर भी ऐसे ऐसे खुंदराया हुआ होता कि चार क्यूब बेस लेयर से भी निकाल दिए, तो टोटल क्यूब अपने ब्लॉक में कितने हो गए, आपने को पूछा है। पहले देखो, बेस लेयर जब नॉर्मल था, अपने अभी टोटल क्यूब काउंट किए थे, कितने थे अपने, सिक्सटी थे, ठीक है। ऊपर के लेयर का, ऊपर के लेयर जैसा नीचे का लेयर कर देंगे तो कितने क्यूब कम हो जाएंगे, उसमें से चार कम होने हैं, ठीक है, तो चार माइनस कर देंगे अपन इससे, कितना आ गया ये, फिफ्टी सिक्स आ गया। तो अपने कितने रहेंगे क्यूब, फिफ्टी सिक्स रहेंगे, ठीक है, ट्वेंटी टू हो गया। ट्वेंटी थ्री क्या है, If the base layer and top layer of block is same, then the most, how many faces of the cube will be painted? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, base layer and top layer जब same है, तब most how many faces, कितने सबसे, जो जो cube की सबसे ज्यादा faces painted है वो कितने होंगे, वो आपने को पूछा है। मतलब देखो, base layer and top layer same का मतलब क्या है, इसी तरह से अपना नीचे का भी layer बन गया है, तो मुझे ये बताना है कि कितने, एक cube के maximum कितनी side painted होगी, ये आपने को बताना है, ठीक है। ये अपने क्या बताना है, एक क्यूब की मैक्सिमम कितनी साइड पेंटेड होगी, वो अपने को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैक्सिमम मतलब क्या, कॉर्नर वाले पकड़ लो, ठीक है, बीच में दिमाग ही मत लगाओ, कॉर्नर वाले पकड़ लो। कॉर्नर वाले की कितनी पेंटेड है, एक दो तीन पेंटेड है, तो देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो अपने तीन आ जाएगा आंसर, ठीक है। अभी 24 एंड 25 करते हैं, ये वाला देखो इस पार्ट का आखिर है, इसके बाद में 25 टू 50 का जो है अगले पार्ट में ला दूंगा मैं, ठीक है। अभी आपको ये पार्ट अच्छे से करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, चूज द मिरर इमेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन, एंड देखो यहाँ पे अपने को इसकी मिरर इमेज चूज करनी है, ठीक है, क्या करनी है अपने को, इसकी मिरर इमेज चूज करनी है। तो मिरर इमेज चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, दिमाग में सोचना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग में सोचना पड़ेगा। मिरर इमेज के लिए मैं क्या करता था ना, ये देखो अपने पास ऐसी घड़ी होती है ना, घड़ी स्केल लोहे की, इसको मैं इसमें मिरर इमेज देखता, ठीक है, ये देखो इसमें आप दोस्तों के मुंह पे रोशनी चमकाते हो, लेकिन प्रोडक्टिवली यूज करोगे ना इसका, अपना क्या मिरर बोल के भी यूज कर सकते हैं, मंडला बिल्डिंग के पेपर में, ये देखो इस तरह से मुझे इसमें दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से मुझे इसमें दिख रहा है, नीचे से भी मुझे दिख रहा है। तो ऐसा मैं जब देखूंगा ना इसको, तो ऐसा देखूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा कि इसकी जो मिरर इमेज है, तो इस साइड से जो देख रहा हूं ना मैं, देखो इस तरह से एक बन रही है, ये जो है ना, ये वाली देखो, ये वाली इसकी, इस साइड में अगर मिरर लगा दूंगा मैं, तो इस टाइप की मिरर इमेज बन जाएगी, तो अपना ऑप्शन नंबर वन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 देखते अपना, ठीक है, 25 का क्या है, इसके अपने को मिरर इमेज निकालनी है, इसकी मिरर इमेज देखो, सबसे पहले क्या करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है, एलिमिनेट करो, इसके मुंह के पास एरो है ना, इसके मुंह के पास यहाँ पे एरो है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, इसके मुंह के पास यहाँ पे एरो है क्या, नहीं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे है और यहाँ पे क्या, अरे बाप रे, यहाँ पे मुंह ही चेंज है, ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर थ्री आ गया। ऑप्शन एलिमिनेट करने से ऐसा अपना धड़ 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 हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये अपना इस पार्ट में यही था, तो आपको बताओ कि कौन सा सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, और आपको कौन से क्वेश्चन में और डाउट आया था, तो अपन उसको और एक बार डिस्कस करेंगे। 25 टू 50 जो अपना नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय।